दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं जेक्यूरी ट्यूटोरियल। ठीक है, जैसे कि पिछले कुछ वीडियो से हम लोग बात कर रहे हैं जेक्यूरी सेलेक्टर के बारे में, और आज भी हम एक नया सेलेक्टर देखने वाले हैं, चाइल्ड एंड चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में। ठीक है, चलिए मैं आपको सबसे पहले अपना जो HTML का जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसमें ले चलता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे जो एंड चाइल्ड हम लोग को समझना है, तो इससे पहले देखिए नीचे में कुछ एलिमेंट है H1 बॉडी के अंदर में, यहाँ पे चार H1 एलिमेंट सेलेक्टर है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में जो कोडिंग लिखा हुआ है document.ready function, इसके बारे में तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। इसके अंदर में मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ H1 नाम का। ठीक है, और फिर यहाँ पे $ ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में मैं क्या करूँगा H1 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, डॉट और एक फंक्शन होता है लेंथ, ये क्या करेगा जितना भी H1 लेंथ मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कितना है 1 2 3 4, तो इसका लेंथ कितना है H1 एलिमेंट का 4 है, तो ये आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं अलर्ट करता हूँ अलर्ट, और उसके बाद में अभी H1 को मैं कितना वैल्यू ले रहा है वो दिखाने चाहता हूँ आप लोग को। चलिए यहाँ पे रन करते हैं, फायरफॉक्स में इसको रन करते हैं हम लोग। देखिए अलर्ट में क्या दिखा रहा है, 4 H1 का वैल्यू 4, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट, अगर इसको बढ़ा देंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे 4 है, अभी मैं इसको 8 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब हम लोग समझने वाले क्या है इस सेलेक्टर के बारे में, हम लोग समझना चाहते हैं कौन सा सेलेक्टर है आज का टॉपिक। जैसे यहाँ पे H1 लिखेंगे हम लोग, सॉरी इनवर्टेड कॉमा के अंदर में H1 लिखेंगे, और फिर इसको देखे यहाँ पे मैं लिख दूंगा nth चाइल्ड सेलेक्टर, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं इसको, तो बंद कर देते हैं, सॉरी पहले इनवर्टेड कॉमा बंद करेंगे फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, txt टेक्स्ट, ये क्या करेगा जिस जिस एलिमेंट को ये सेलेक्ट कर रहा है उसके अंदर में कुछ टेक्स्ट फिलअप करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या फिलअप करना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 2 लिख, ठीक है, तो अब ये 2 जो हो गया इसका, जैसे H1 टोटल एलिमेंट कितना था, टोटल H1 8 है, तो इसका 2 वैल्यू कौन सा है, ये वाला H1, तो यहाँ पे ये टेक्स्ट अपियर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम सेकेंड इन द लिस्ट। अब इसको सेव कर देते हैं, और उसके बाद फिर चलते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे पहले इसका लेंथ दिखा रहा है 8 है, और देखिए सेकेंड वाला जो एलिमेंट था वहां पे दिखा रहा है आई एम सेकेंड इन द लिस्ट। ठीक है, इस प्रकार से एन चाइल्ड का यूज इस प्रकार से करते हैं। ये जो एन है, ये सॉरी जो नंबर मैंने लिखा था, यहाँ से आप एन जो होगा वो जो भी नंबर आप पुट कर रहे हैं वो लेगा। दूसरा और कैसे तरीका से हम लोग इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था इवन और ऑड सेलेक्टर, तो उसका भी यूज हम लोग यहाँ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इवन लिख देता हूँ इवन, तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाउ ओनली इवन वैल्यू आर सेलेक्टेड, मतलब अभी जो भी सेलेक्टेड होगा सिर्फ इवन वैल्यू ही सेलेक्टेड होगा। कैसे, चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, पहले ये लेंथ डिस्प्ले करेगा, उसके बाद देखिए नाउ ओनली इवन वैल्यू, तो जैसे कि ये आपका सेकंड पोजीशन में है ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, जो भी आपका इवन पोजीशन में था ये उसी को सेलेक्ट। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग ऑड सेलेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ ऑड वैल्यू को सेलेक्ट करेगा। देखिए अब ये सिर्फ 1 3 5 7 इस तरह का जो वैल्यू है उसको सेलेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि सिर्फ नंबर का यूटिलाइज करके भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इवन और ऑड सेलेक्टर का भी यूज इसके अंदर कर सकते हैं, और एक तरीका से हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे
टू एन लिखता है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट के बदले कुछ कलर अप्लाई कर देता हूँ, डॉट cslur कलर कॉमा, उसके बाद यहाँ पे रेड, फिर ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ और अब इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हर एक एलिमेंट का जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसको फोकस कर रहा है। मतलब जैसे हम लोग अगर सिर्फ यहाँ पे टू लिखते, यहाँ पे सिर्फ टू लिखते, ये टोटल एलिमेंट का सेकंड पोजीशन में जो एलिमेंट रहेगा उसी को ये टारगेट करेगा। देखिए ये सारा एलिमेंट का जो सेकंड पोजीशन में जो एलिमेंट था उसको ये टारगेट किया, बट अगर आप यहाँ पे टू एन करेंगे तो ये क्या करेगा, पूरा जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है सबका सेकंड, जैसे ये वन है ये टू है तो इसको किया, उसी प्रकार से ये वन है ये टू है तो इसको करेगा, उसी प्रकार से ये वन है तो ये टू है इसको करेगा, ठीक है ना। अब इसको और एक तरीका से हम लोग सीखेंगे। अब मान लीजिए कि इसके बाद में बहुत जगह में आप देखेंगे किस प्रकार से लिखा हुआ रहता है टू एन प्लस टू, एक काम करते हैं टू एन प्लस थ्री। अब ये काम क्या करता है, देखिए टू एन मतलब ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट एट है तो ये इसको टू से डिवाइड कर देगा और उसके बाद जो भी थर्ड पोजीशन में रहेगा ये उसको फोकस करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे एक एलिमेंट को मैं और बढ़ा देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको मैं थ्री एन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये कॉपी करते हैं, इसका लेंथ अब एक बढ़ा देते हैं नाइन हो, ठीक है। तो अगर नाइन एलिमेंट को हम लोग थ्री के साथ डिवाइड करेंगे वो तो ग्रुप कैसे बनेगा, ये आपका थ्री बनेगा, ये आपका थ्री बनेगा, ये आपका थ्री बनेगा। और ये जो थ्री लिखा गया यहाँ पे, ये थ्री का मतलब होता है कि जो ग्रुप बनाया जा रहा है डिवाइड करने के बाद में, उसके बाद जो थर्ड पोजीशन में जो एलिमेंट आ रहा है उसको टारगेट करें, ठीक है। चलिए रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पे ये थ्री थ्री का ग्रुप बना है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द सेकेंड ग्रुप एंड दिस इज द थर्ड ग्रुप, और सबका थर्ड एलिमेंट को ये फोकस कर रहा है, ठीक है। और एक तरीका से देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं टू के बदले यहाँ पे थ्री के बदले टू लिख देता, अब ये ग्रुप का सेकंड वाला जो एलिमेंट रहेगा ये उसको फोकस करेगा। देखिए ये हमारा एक ग्रुप बना, ये हमारा दूसरा ग्रुप बना, ये हमारा तीसरा ग्रुप बना, और सबका सेकंड वाला जो पोजिशन है उसको टारगेट किया जाए। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अभी ये कितना था, ये आपका नाइन था, इसको मैं फिर जाता हूँ यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये हो गया ट्वेल्व, ठीक है। अब 12 को अगर हम लोग 12 है, 12 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तब भी ये 3-3 का एलिमेंट हो जाएगा। अच्छा और एक काम करते हैं, 12 के बाद मैं यहाँ पे लग देता हूँ 4 कर देता हूँ, तो ये हो गया 16 टोटल, है ना। अब 16 को 4 के साथ अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 4-4 का ग्रुप बन जाएगा एक, ठीक है ना। चलिए देखते हैं एक बार इसको हम लोग कितना लेंथ दिखा रहे हैं, सबसे पहले देखिए 16, देखिए अब ये क्या हो रहा है, 4-4 का ग्रुप बन रहा है और 4-4 का ग्रुप बन रहा है और ये सेकंड पोजीशन जो है उसके ऊपर हमारा जो उसको टारगेट कर रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को nth चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो या वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सॉरी मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।